नमस्कार, स्वागत है आपका स्ट्रीट बज में और मैं हूं प्रतिमा सा आपके साथ। पूर्णिया के बाईसी प्रखंड अंतर्गत चोपड़ा पंचायत के रेहुआ गांव वार्ड संख्या 8, 6 और 9 के निवासी का विगत 29 तारीख को पंचायत चुनाव का वोट डालने गई महिलाओं के अकाउंट से राशि गबन का मामला सामने आया है। 30 पीड़ित लोगों ने बाईसी थाने में मामला दर्ज कराया है। पूर्णिया के बाईसी में बैंक के सामने लगी भीड़ उनके खाते से फर्जी तरीके से राशि निकासी को लेकर कंप्लेन कराने के लिए लगी है। लगभग 30 व्यक्ति के खाते से 10 लाख से ज्यादा की राशि अलग अलग दिनों में निकासी की गई है। पीड़ित लोगों ने कहा कि उनके बैंक से लगातार रुपए निकलने का SMS जब आने लगा तो भागे भागे बैंक गए और थाने में भी मामला दर्ज कराया गया। घटना के बाबत कैनरा बैंक के शाखा प्रबंधक ने बताया कि 29 नवंबर को बाईसी में बायोमेट्रिक्स तरीके से चुनाव हुआ था, जिसके बाद लोगों के बैंक से राशि गायब होने लगी है। वहीं का सा लग रहा है। कौन पंचायत? चोपड़ा। कौन सा बैंक में अकाउंट है आपका? वो ये स्टेट बैंक केनरा। क्या नाम है आपका? रुबिता देवी। आपका रुपया कटा है जी? कितना? 7,096 रुपया। कब पता चला और कैसे पता चला? कल चेक मैसेज आया था, निकाले, पता चला कहाँ से कटा है, कहाँ से? वो वोट में फिंगर मारे थे इलेक्शन में, वही सक लग रहा है। वही से फिंगर। आशजा मुबिया पंचायत में, हम पंचायत से हैं, मदरसा में वोट हो रहा था, हम एजेंट भी थे, तो हमको सब कोई हल्ला गुल्ला करा, पैसा कटा लिया। हम सोचे कि नहीं नहीं कटेगा पैसा। लास्ट में आज जो हम ATM में गए तो देखते हैं पैसा है ही नहीं। फिर हम 2992 रुपये था, स्टेट बैंक का फकीटोली। तो फिर मैं गया ब्रांच मैनेजर के पास, बोला चेक कर दे, चेक करके स्टेटमेंट देगा, बोले हाँ आपका पैसा कटा है 1 तारीख को। क्या हुआ, कैसे? मेरे साथ में ये हुआ कि हम तो बाहर में थे, तो मेरे साथ ये 28 से लेकर 29 तक मेरा पैसा कट चुका है, क्योंकि मेरा वोट हुआ भी नहीं, तब हम बाहर से घर आए कि मेरा पैसा ऐसा, इतना पैसा कैसे कट गया? कितना पैसा कट गया? 40,430 रुपया। कैसे पता चला? अकाउंट हम चेक किए, जैसे हमको मैसेज आया तो हम चेक किया, पूरा अकाउंट खाली हो गया, ओनली 26 पैसा बचा है मेरे पास। आधार से राशि छूटा, घटना घटी आपके पंचायत में, कल से काफी चर्चा है। ये लोग वोट देने के बाद ये ऐसा 30 तारीख से सुनने के लिए मिला कि मतलब पैसा जो है लगातार लोगों के अकाउंट से जो है डिडक्ट हो रहा है ना। अब अभी तो आज तो समस्या ये आया, मतलब सुनने को ये मिल रहा है कि जो लोग वोट देने नहीं भी गया है, अगर आसपास में है तो उसका भी पैसा कट रहा है। तो ये कैसे कट रहा है इसका छानबीन होना चाहिए। और जो लोग वोट दे करके पैसा जिनका कटा है, तो मेरा मांग है कि जो 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 लड़का बायोमेट्रिक लेकर के बूथ पर था उनको सबसे पहले अरेस्ट किया जाए जी, तभी जो है इस गिरोह में कौन कौन शामिल है तब निकलेगा। इस बाबत जिला अधिकारी राहुल कुमार ने कहा कि बाईसी थाने में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पूर्व भी बाईसी इलाके में लोन देने के नाम पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी द्वारा अंगूठा का निशान लिया गया था, जिससे रुपए की निकासी हुई थी और चुनाव से पूर्व एवं चुनाव के बाद भी निकासी हुई है, लिहाजा चुनाव से इस घटना का कोई संबंध नहीं है। बहरहाल जिला अधिकारी ने एहतियात के तौर पर चुनाव के दिन बायोमेट्रिक सिस्टम में अपने लोगों को लगाने की बात कही है। वहीं जिन लोगों की राशि बैंक से गायब हुई है उसे भी जांच कर बैंक को वापस दिलाने का निर्देश दिया है। के सेक्शन में दर्ज किया गया है। अब इसमें एक बात समझने की है कि बायसी में बकरीद के आसपास 4 महीने पहले अभी से कुछ लोग निजी आदमी जो थे वो लोन देने के नाम से वो घूम रहे थे, और उसमें से चुनाव के 10 दिन पहले श्रमिक कार्ड बनाने के लिए भी उन लोग से अंगूठा साइन ये सब करवाने का काम किया गया था, कैंप लगा के भी। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा भी छोटे छोटे लोन वगैरह देने के लिए भी गांव में इस तरह का कैंप वगैरह किया जाता है। तो इसमें से चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी कुछ निकासी की गई है, और 8 सितंबर 2021 को, यानी अभी से लगभग 3 महीने पहले, अमौर में, बगल के बायसी के बगल में अमौर में एक और थाना मकान संख्या 197/21 दर्ज किया गया था, जिसमें मोहम्मद आमिर उर्फ खुसरू और कुछ और अनज्ञात के विरुद्ध बायोमेट्रिक तरीके से रुपया निकालने का आरोप लगाया गया था, और इसमें मोहम्मद आमिर को जेल भी भेजा गया था, जिसके पास से रबर फिंगरप्रिंट, लैपटॉप, मोबाइल ये सभी मिला था। तो अभी तक की जो जांच हुई है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा, इसमें प्रथम दृष्टया इसका चुनाव से लेना देना नहीं है, जो अभी 3-4 पॉइंट मैंने आप लोगों को ये करके क्लियर कर दिया।
इसके बावजूद आगे आने वाले जो दो चरण के चुनाव हैं उसमें हम लोगों ने हर एक पीसीसीपी टीम के साथ अपना टेक्निकल कर्मी भी हम लोगों ने डिप्लॉय किया है, जो कि बूथ पे रह के देखेगा कि जो बायोमेट्रिक सत्यापन करने वाले कर्मी हैं उनके द्वारा कोई भी इस तरह का की गड़बड़ी न की जाए। तो यही फैक्चुअल इसका स्टेटस था। स्ट्रीट बस की खबरों को लगातार देखने के लिए स्ट्रीट बस को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।